नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। नागरिकता कानून पर बहस जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर जारी है और इसी के साथ एक सवाल और खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल और जिस तरीके से सड़कों के ऊपर विरोध हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर विरोध हो रहा है, असम के अंदर विरोध हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर विरोध हो रहा है, ऐसे में मोदी सरकार कैसे एनआरसी और साथ ही साथ नागरिकता कानून दोनों को लागू कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मंगलवार को हमने इसी कार्यक्रम में आपसे कहा था कि दरअसल इस पूरे मसले पर, नागरिकता कानून के मसले पर, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और अब वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या पूरे मामले को स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरे मामले को, पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तगड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ये नागरिकता कानून है दरअसल ये सबका सर्वनाश कर रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम चल रहा था उसको भी इमीडिएटली रोकने का काम कर दिया है ताकि एनआरसी का मामला आगे ना बढ़ पाए। उधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत तगड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा मैं पहला आदमी हूंगा जिस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा और यह भी कहा है कि जिस तरीके से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वैसे ही देश के अंदर काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुत तगड़े स्टेटमेंट्स हैं। इसके बीच में यह सवाल बहुत मौजू है कि अगर नरेंद्र मोदी फंस गए हैं तो फिर नागरिकता कानून और एनआरसी को कैसे लागू कर पाएंगे और क्या लागू भी कर पाएंगे या नहीं लागू कर पाएंगे, इस पर क्या स्थिति है, इसका खुलासा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले हम बुधवार को जो नागरिकता कानून से संबंधित जो खबरें हैं उसको बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट को नागरिकता कानून के मसले पर 60 के आसपास पिटिशंस मिली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून को स्टे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है। हालांकि केंद्र सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है और जो पिटिशनर ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट फौरन कोई सुनवाई करेगा, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी, यानी तब तक काफी पानी बह चुका होगा गंगा और यमुना में। उसके साथ साथ सीलमपुर में जहां मंगलवार को जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, वहां पे निषेधाज्ञा लागू रही और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जामिया में लगातार 6ठे दिन वहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रहा, हिंसा की कोई खबर वहां से नहीं आ रही है। उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में भी, उत्तर पूर्व जो असम और दूसरे इलाके हैं वहां पर फिलहाल शांति की खबरें हैं, कर्फ्यू हटाने की बात की जा रही है, इंटरनेट वापस लाने की बात की जा रही है, फिलहाल वहां किसी तरीके की हिंसा की खबरें नहीं है। लेकिन असम के बगल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार 3रे दिन पैदल मार्च किया है और एक लंबी भीड़ के साथ पैदल मार्च किया है। उनके तेवर बहुत तीखे हैं, बीजेपी को, मोदी सरकार को खुलेआम चुनौती देती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम एनआरसी और कानून जो है, ये नागरिकता कानून है, इसको किसी भी हालत में बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। नवीन पटनायक जो जिन्होंने नागरिकता कानून पर संसद के अंदर मोदी सरकार का समर्थन किया था, उन्होंने भी खुलकर कह दिया है कि नागरिकता कानून की बात अलग है लेकिन एनआरसी यानी नेशनल जो रजिस्टर है, सिटीजनशिप रजिस्टर, उसको लागू नहीं करेंगे और उसको नहीं मानेंगे। तो जो मौजूदा स्थिति है ये आपके सामने पेश किया। अब दोबारा वापस लौटते हैं उस मसले के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर, उस सवाल के ऊपर कि नागरिकता कानून पर और एनआरसी पर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर विरोध देखा जा रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सरकार का मतलब अब तो मोदी जी ही हैं, कैसे इसको लागू करा पाएंगे, लागू भी करा पाएंगे, लागू करा पाएंगे। हालांकि अमित शाह के तेवर बहुत तीखे हैं, लगातार तीखे इसमें हैं कि वो किसी भी हालत में उसको वापस नहीं लेंगे, लेकिन वापस नहीं लेने का मतलब क्या है, अगर आप लागू करा सकते हैं नहीं करा सकते, इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। मैं आपको पहली तो कानूनी स्थिति बता देता हूं। कानूनी स्थिति यह कि जो नागरिकता कानून है वो जो संविधान के तहत, जो संविधान के तहत जो हम कहते हैं कि एक धारा है 256,
256 पर बात करें उसके पहले आपको बता दें कि संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, साझा लिस्ट है। केंद्र सरकार की जो लिस्ट है, संघ की लिस्ट है, उसमें केंद्र सरकार क्या क्या कानून, क्या क्या काम कर सकती है, कौन कौन से कानून बना सकती है, इसका पूरा विवरण है। और ये सारे कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। दूसरे वो लिस्ट है जिसमें राज्य सरकारों की है, तो राज्य सरकार कौन कौन से काम कर सकती है और कौन कौन से कानून अपनी विधानसभा में बना सकती है, इसका जिक्र है। तीसरी लिस्ट है साझा लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कानून बनता है और केंद्र सरकार की बात ज्यादा मानी जाती है, यानी केंद्र सरकार की जो राय है वो प्रिवेल करेगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो नागरिकता कानून है ये केंद्र सरकार के अधिकार के तहत आता है, सिटीजनशिप का मामला है, इसलिए पूरे देश पर लागू होता है। ये जो नागरिकता कानून है ये पार्लियामेंट से बना है, संसद से बना हुआ है, यानी संघ की लिस्ट में है। संघ की लिस्ट में यानी जो काम, जो कानून पार्लियामेंट से बनता है उसको राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होते हैं, ऐसा संविधान की धारा या अनुच्छेद 256 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। संविधान की धारा 256 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया जाता है उसको राज्य सरकार या राज्य सरकार की कार्यपालिका उसको मानने के लिए बाध्य है, और अगर केंद्र सरकार उससे संबंधित कोई डायरेक्टिव इश्यू करता है तो भी राज्य सरकारों के अलावा उसको मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब एक सवाल यह खड़ा होता है, सवाल क्या खड़ा होता है, सवाल यह खड़ा होता है कि अब तक अगर हम आपको पूरी लिस्ट बताएं, जैसा हमने आपको ममता बनर्जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा एनआरसी और नागरिकता कानून नहीं लागू करेंगे, हमने आपको भूपेश बघेल के बारे में बताया जिन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को काले अंग्रेज की संज्ञा दी, उन्होंने कहा मैं पहला आदमी हूंगा जो इसको लागू नहीं करेगा, एनआरसी पर सिग्नेचर नहीं करेगा। हमने आपको यह भी बताया कि नवीन पटनायक ने भी कहा कि एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। इनके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, इन्होंने भी कहा है कि वो नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस के नेता है अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी इसका विरोध करने की बात की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी लगभग यही बात कह चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का जिक्र हमने आपके सामने रखा है, लेकिन इसमें हम तीन नाम हम और भी जोड़ते, एक हमने आपको नवीन पटनायक का नाम बताया, एक तरीके से कह सकते हैं कि नागरिकता कानून के ऊपर नवीन पटनायक मोदी सरकार के सहयोगी तो नहीं है लेकिन इस मसले पर उनके साथ थे, संसद के लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने नागरिकता कानून का समर्थन किया, एनआरसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिनकी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो ये नागरिकता कानून है इसका समर्थन किया था लेकिन एनआरसी के मसले पर उनके सुर बदले हुए हैं। शिवसेना लोकसभा में उसने नागरिकता कानून का समर्थन किया लेकिन राज्यसभा में वहां उन्होंने एब्स्टेन किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी वो इनके साथ नहीं है, हालांकि वो इनके सहयोगी भी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल, इन्होंने समर्थन किया लेकिन शिरोमणि अकाली दल का भी कहना है कि उन्हें नागरिकता कानून जो है ये जो मुसलमानों को इससे हटाने की बात की जा रही है, उनको नागरिकता नहीं देने की बात की जा रही है, इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए था और मुसलमानों को भी इस लिस्ट में लाने का काम करना चाहिए था। तो ये जो स्थिति है इसके मुताबिक अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि कोई राज्य सरकार धारा 256 के तहत धारा 256 का उल्लंघन करती, यानी केंद्र सरकार कहती है कि आप नागरिकता कानून को लागू करिए और राज्य सरकार कहती है हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वैसे में क्या स्थिति बनती है? स्थिति बनती है कि संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, और अगर संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चलती तो धारा 356 को लगाया जा सकता है, यानी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। और यह कहते हुए कि केंद्र सरकार ने कोई आदेश दिया, पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, इसका मतलब संविधान का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब राज्य विशेष के अंदर या प्रदेश विशेष के अंदर सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। धारा 356 का इस्तेमाल यानी यह हथियार केंद्र सरकार के पास है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने यह कहा है जो देश के रक्षा मंत्री हैं कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो नागरिकता कानून को ना माने, तो धारा 356 का इस्तेमाल हो सकता है। धारा 356 का इस्तेमाल सबसे पहले 1959 में केरला की सरकार के खिलाफ, नम्बूदरीपाद की सरकार के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो केंद्र की सरकार थी उसने इस्तेमाल किया था, सरकार बर्खास्त की थी ये कहते हुए केंद्र के संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। उसके बाद 100 से ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र धारा 356 के इस्तेमाल करने की स्थिति में है या नहीं है।
आपने देखा उत्तराखंड में इसका इस्तेमाल हुआ, आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में इसका इस्तेमाल हुआ, आपने देखा कि और भी दूसरे राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था। तो सरकार बर्खास्त की जा सकती है कहते हुए कि संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, यह कानूनी संवैधानिक स्थिति है। लेकिन क्या यह इतना आसान फैसला है कि सिर्फ नागरिकता कानून लगाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर सके, क्योंकि अगर वह ऐसा करने के बारे में सोचेगी तो उसको केरला की पिनराई विजयन की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, पंजाब की कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बर्खास्त करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ राजस्थान की सरकार, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार, उसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसको भी बर्खास्त करने की बात है क्योंकि कांग्रेस इसका खुला विरोध कर रही है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी इसकी बर्खास्तगी का सवाल खड़ा होगा क्योंकि वो भी इसको ना मानने की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों का रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं। ऐसे में कुल मिला के एक दर्जन से ऐसे राज्य हैं जहां पे गैर बीजेपी की सरकारें हैं और वो एनआरसी और नागरिकता कानून दोनों को लागू करने से मना कर रही है या मना कर सकती है। तो क्या 13 सरकारी या 12 सरकारी या एक दर्जन सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत मोदी सरकार कर सकती? मेरा अपना मानना है नहीं कर सकती। आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ 1977 में, जब केंद्र के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई थी तो कांग्रेस की 9 सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया गया था मुरारजी देसाई की सरकार ने। और जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी ने सारे नौ राज्यों के जो हैं विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी उसको बर्खास्त करने का काम उन्होंने किया था। लेकिन आज 1977, 1980, 2019 नहीं है। मोदी जी के पास लोकसभा में 303 बहुमत है, राज्यसभा के अंदर भी लगभग बहुमत वाली स्थिति है सहयोगियों की मदद से, तभी नागरिकता कानून पास करा है। लेकिन एक दर्जन राज्य सरकारों को बर्खास्त करना सिर्फ इसलिए क्योंकि नागरिकता कानून लागू करना है, ये मुझे लगता है एक असंभव सा काम है जो वो नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से जन दबाव पिछले दिनों बना है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जिस तरीके से दबाव बना है, असम के अंदर जिस तरीके से दबाव बना है, त्रिपुरा में दबाव बना है, सारे नॉर्थ ईस्ट की सरकारें और वहाँ की पार्टियाँ इसके खिलाफ हैं, और उसके बाद जिस तरीके से करीब 20-22 विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र सड़क पर उतरे हैं, उसमें IIT, IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जैसे बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ छात्र नाराज़ हैं, और उसमें सिर्फ मुस्लिम छात्र नहीं है, हिंदू मुसलमान सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इतना जन दबाव अगर बन गया है तो इस जन दबाव की क्या अनदेखी केंद्र की सरकार कर सकती है? और महज नागरिकता कानून लागू कराने के लिए, NRC लागू कराने के लिए एक दर्जन से ज़्यादा सरकारों को बर्खास्त कर सकती है? ऐसा लगता नहीं है। और इतना बड़ा जन दबाव का क्या अनदेखी करना भी उनके बस की बात शायद नहीं है। तीसरी बात यह है कि उनके जो अपने सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो नागरिकता कानून पर उनके साथ हैं लेकिन NRC पर उनका विरोध कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल नागरिकता कानून पर भी उनका रवैया बीच बचाव का बीच वाला रास्ता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को इसमें लेना चाहिए, यानी इनका विरोध भी है हालांकि वो समर्थन कर रहे हैं। नवीन पटनायक नीतीश कुमार का मैंने आपको बताया, नवीन पटनायक यही स्थिति है। तो जब विपक्षी पार्टियों के साथ सरकारों के साथ साथ जो उनके अपने मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, अगर वो भी NRC का विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा अपने सहयोगियों की बात को न मानना। अब प्रश्न ये खड़ा होता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी के लिए नागरिकता कानून और देश भर के अंदर NRC लागू करना एक बहुत ही मुश्किल सा काम है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं वो ऐसे आकस्मिक कदमों को उठाने के लिए जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे कि धारा 370 उन्होंने हटाने का काम किया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो राजनीतिज्ञ हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, इतनी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लगता है कि ये असंभव सा काम है। इसके साथ साथ ये जो असंभव सा काम है वो बिल्कुल समझ में आती है। नरेंद्र मोदी की असफलता कहाँ पे है? उनकी असफलता इस बारे में है कि जब वो 2014 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे तब वो टीम इंडिया की बात करते थे जिसमें राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, यानी सहकार
संघ होगा एक तरीके से, साथ साथ मिलकर बातचीत कर, लेकिन धारा 370 है या फिर नागरिकता कानून, किसी भी प्रदेश सरकार से उन्होंने किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन नहीं किया और ना ही वो जाने जाते हैं राज्य सरकारों से या यहाँ तक कि अपने पार्टी के लोगों से विचार विमर्श करने के लिए ये उनकी असफलता है, ये उनके कार्यपन करने का तरीका है। तो हो सकता है कि वो ये बेहतर समझें कि इस पूरे मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से ही हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, 22 जनवरी से इस पर औपचारिक तौर पर सुनवाई शुरू हो सकती है। तो नरेंद्र मोदी भी ये चाहेंगे कि वो इस पचड़े में ना पड़ें, और जो जन दबाव बन रहा है, जो विरोध हो रहा है ऐसे वक्त में जबकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिकता कानून को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बाकायदा लिख दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी इस पर ज़बरदस्त दबाव उनके ऊपर हो सकता है, अमेरिका का दबाव हो सकता है, दूसरे और प्रदेशों का भी, दूसरे और जो संस्थान उनका भी दबाव हो सकता है। और तीसरी बात यह कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही अगर ये ज़बरदस्ती की तो आंदोलन बढ़ सकता है और आंदोलन जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर जा सकता है, आंदोलन के रास्ते पर। और जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ था तो महज एक जो मेस बिल था, एक मेस था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस बिल में 20% मेस बिल बढ़ा था और लोग सड़कों पर आए थे और उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया, और उस समर्थन का असर यह हुआ कि अंततः इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और साथ में उनकी सरकार भी चली गई। तो अगर यह आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन और भड़क सकता है, लोग और सड़कों पर आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी की अपनी कुर्सी के लिए भी खतरा हो सकता है। ये बात मैं आज कह रहा हूँ, हो सकता है अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जन दबाव को और जन आक्रोश जितना पिछले दिनों उभरा है वो पिछले कई सालों के अंदर ऐसा देखने में नहीं मिला था, इसको कम कर आंकना गलत होगा, खासतौर पर छात्रों का जो गुस्सा है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कॉमन ये फैसला लागू करा पाना मोदी जी के लिए लगभग असंभव सी स्थिति है। और अंत में मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि satyahindi.com एक कोशिश है सच को आपके सामने लाने की, ईमानदार पत्रकारिता करने की, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, मनोबल हमारा बढ़ाएं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा YouTube चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें, satyahindi.com को विजिट करें, हमारे स्टूडेंट्स को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।